हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस CPP नेट काउंसलिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, DD जरूर ले जाना है क्या, एडमिशन पर DD वापस हो जाती है क्या, फीस साथ में लगेगी या नहीं लगेगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पर वीडियो आ चुका है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आखिर में डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है और DD का क्या काम है और DD कैसे बनेगी, किसके नाम से बनेगी, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन का PDF, जिसमें कि आपका ओवरऑल रैंक 1 से 100 तक, इस टॉपिक पर कौन कौन सी रैंक को किस दिन बुलाया गया, इस पर वीडियो आ चुका है जिसका डायरेक्ट लिंक जहां पर आप कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए, यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी सूचना कॉल लेटर या डाक के माध्यम से प्रेषित नहीं की जाएगी। जिस तिथि को आपको बुलाया गया है उसी तिथि को पंजीकरण अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। और ये देखिए, पंजीकृत अभ्यर्थी को मेरिट रैंक के क्रम में बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी के मेरिट रैंक पर उपलब्धता पाठ्यक्रम में उसने चुनी गई पाठ्यक्रम की उक्त सीट पर आवंटित किया जाएगा। मतलब आपकी जो भी रैंक है, आपने जो भी सीट चुना है उसके आधार पर ही आपको आवंटित किया जाएगा। पंजीकरण होने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको प्रवेश दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ये जाते हैं कि मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी आपको प्रवेश मिल गया, ऐसा नहीं है। अभ्यर्थी की मेरिट रैंक पर उसकी अर्हता अनुसार सीट उपलब्ध ना होने की दिशा में उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये देखिए, 10 से 1 बजे तक आपका प्रमाण पत्रों की जाँच होगी, 12-2 बजे के बाद आपको सीट आवंटित किया जाएगा। अभ्यर्थी को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि प्रत्येक इसमें अपने प्रमाण पत्र सत्य का सत्यापन समय समय पर अंदर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें, जिससे भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकें, अपना जो डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं आप उसको सत्यापित कराएं। और ये देखिए, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु अपने समस्त प्रमाण पत्रों को मूल रूप में यानी ओरिजिनल आपको ले जाना है, अन्यथा आपको प्रतिभाग करने नहीं दिया जाएगा काउंसलिंग में। और ये देखिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 का डिमांड ड्राफ्ट यानी DD बनवाना है आपको। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर है, आपको DD बनवाना ही बनवाना है, अन्यथा की स्थिति में आपको काउंसलिंग में प्रतिभाग करने नहीं दिया जाएगा, यानी आपको ले जाना है अन्यथा आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, आपको किसके नाम पर बनवाना है, 5000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जो कि किसके फेवर में बनवाना है, फाइनेंस ऑफिसर पैरामेडिकल AC UPUMS जो कि पेबल होगा सैफई के नाम से। 5000 का DD अपने साथ ले जाना है आपको जिस दिन आपकी काउंसलिंग है। अभ्यर्थी द्वारा आवंटन प्राप्त करने की प्रवेश प्रक्रिया के पूरी कर लेने में यह दिशा, ये देखिए, अगर आपको आपका कोर्स मिल जाता है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरा है, आपको कौन सा कोर्स है ये, तो उस दशा में अगर आपको कोर्स आपका उस दिन जिस दिन आपके प्रमाण पत्रों की सत्यापन हो गया और आपको 2 बजे के बाद 10 बजे से लेकर 1 बजे का आपको प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, और 2 बजे के बाद आपका अगर मनपसंद कोर्स आपको मिल जाता है जो कि आपने फिल किया है, तो आपका जो ये DD है वो वापस नहीं किया जाएगा, कासन मनी के रूप में जमा कर लिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का आवंटन प्राप्त करने के पश्चात प्रवेश नहीं दिया गया, यानी आपको जो आवंटन प्राप्त करने के पश्चात आपने जो काउंसलिंग कराई है उसके पश्चात अगर आपकी रैंक और आपकी कैटेगरी के आधार पर आपको अगर कोई भी सीट जो कि आपने फुलफिल्ड की है रजिस्ट्रेशन के समय, अगर वो नहीं आपको मिलती है, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपको सीट नहीं आवंटित होती है तो आपको मूल रूप से आपका DD सिक्योरिटी डिपॉजिट ड्राफ्ट के रूप में आपका वापस कर दिया जाएगा, जो कि आप बैंक में जाकर अपना पेमेंट उसका ले सकते हैं। और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन प्राप्त करने के पश्चात, यानी आपको सीट अलाउड अगर हो गई है और अगर फिर मतलब जिस दिन आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आप
अपना DD ले जाएंगे साथ में, और आपने जो भी कोर्स किया उसमें आपको एडमिशन मिल गया है यानी आवंटन आपको हो गया है, सीट अलॉट हो गया है। अगर उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है, तो उस दिशा में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी DD जो 5,000 रुपये का है वो जब्त कर लिया जाएगा यानी वापस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि क्या फीस साथ में लगेगी, तो फ्रेंड्स आपकी फीस साथ में नहीं लगती है। आपको सबसे पहले आप डिमांड ड्राफ्ट ले जाना है, वहाँ पर आपकी सीट लॉक होती है और दिए गए समयांतराल में एक पीरियड दिया जाएगा, टाइम पीरियड, आपको उतने दिन के अंदर अपनी फीस जमा करनी है। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपको सीट अलाउट किया उसी दिन आपको पूरी फीस जमा करनी होती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको DD बनवा लेना है 5,000 रुपये का, और ये किसके नाम पर बनेगा, फाइनेंस ऑफिसर पैरामेडिकल ACUPU ML जो कि पेबल होगा सैफई के नाम से। और स्पष्ट रूप से सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि अगर आपको कोर्स मिल जाता है तो आपका DD कासन मनी के रूप में समायोजित कर लिया जाएगा। बाय द चांस आपको कोर्स आवंटन के बाद नहीं मिलता है, आवंटन होता ही नहीं आपकी रैंक और कैटेगरी के बाद कैटेगरी के आधार पर, तो आपका DD आपको वापस कर दिया जाएगा। और बाय द चांस आपको आवंटित कर दिया जाता है फिर आप कहेंगे नहीं हमें नहीं करना है, तो आपका DD जब्त कर लिया जाएगा। ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं तो इस पर वीडियो आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि आपको क्या क्या ले जाना है। मेरिट सूची में व्यक्ति को स्वयं 1/6 स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड ले जाना है, और इसका असली यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसके आधार पर आपको दिया जाता है। फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस आपका जो डे स्कॉलर हैं उनके लिए डिग्री के लिए 29,500 और डिप्लोमा के लिए 25,000, और जो आवासीय छात्र हैं उनके लिए 34,300 डिग्री के लिए और 29,800 है डिप्लोमा के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे थोड़े टर्म एंड कंडीशन जो कि आपको उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस CPP NET काउंसलिंग में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और स्क्रीन पर आपको चैनल का लोगो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। और जिस भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट कहीं जमा हैं, तो जहां पर आपके डॉक्यूमेंट जमा हैं उनसे ले लीजिएगा, उन्हें एक अप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि सर हमारा काउंसलिंग होने जा रहा है, हम इतने दिनों बाद आपके जमा कर देंगे। क्योंकि अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ये देखिए निम्नवत प्रलेखों की मूल एवं 1/6 यानी आपका काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन स्लिप, परीक्षा फल, मेरिट रैंक और इसकी एक फोटोकॉपी, आधार कार्ड की प्रतिलिपि और आधार कार्ड असली भी, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और हाई स्कूल का एक फोटोकॉपी, ऑनलाइन समय अपलोड की गई फोटो की 2 प्रतियाँ, और ये देखिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अगर लागू हो रहा है तो आपका मूल निवास भी ले जाना है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ये OBC वर्ग हैं, खासकर OBC का प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है अगर आपका OBC का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के पहले का है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा, इमरजेंसी में बनवाइएगा, रुपए ज़्यादा लगेंगे लेकिन आपका बन जाएगा। OBC का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के पहले का नहीं होना चाहिए, बाद का होना चाहिए। और जो EWS इत्यादि से बिलोंग करते हैं वो अपना असली प्रमाण पत्र लेकर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।